लेकिन आप भाग नहीं सकते, इसलिए वो इनकार कर देगा। आ गई बात, यानी ये जो पुजारी थे ये बेवकूफ नहीं थे, ये अभिमान थे, यानी कैश कराना चाहते थे उसकी खामोशी को। बहुत तवज्जो रहे, ये जुमला अंडरलाइन करके ध्यान में रखना, बुतों की खामोशी को कैश कराना चाहते थे। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, आज समझ में आया कि अगर दो चीजें हो, एक नातिक और एक सामित, तो मुशरिक का मिजाज है, नातिक को छोड़ दो, सामित को ले लो। किताब इतना समझ में आ रहा है, ये मौजूद आसान होता जा रहा है ना। अब बहुत दूर जाना है और बहुत दूर जाने के लिए ये सारे मसाइल तुम्हारे सामने रखना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, तो अब अल्लाह का तारुफ कराया मेरे नबी ने, आराम से सुन रहा, लेकिन बहुत दूर जाना है, अल्लाह का तारुफ कराया। तुम्हारे बुत का कमाल की बात है, तुम्हारे बुत लूले लंगड़े अंधे ऐबी, मेरा खुदा इन नजहरा पुलिस कदीर, हर शे बता दे। तुम्हारे बुत जाहिल, मेरा खुदा कान अल्लाह पुलिस अलीमा, तुम्हारे ये बुत गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, मेरा खुदा जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो पहले उनके खुदाओं की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ की, यानी तबलीग में तवल्ला पहले है, तवल्ला बाद में है। आसान होते जाए महाराज, तो फिर मैं तेजी के साथ इन मरहलों से आगे बढ़ जाऊं, ये उस्तवार हो जाए, ये सारी बुनियादें जहनों के अंदर, फिर लुफे सा बात है। अच्छा भाई, तो अब मेरे नबी ने उनकी बुराइयां थी, ठीक, और अपने खुदा की तारीफ की, यही तो किया। कोई तो झूठ लाके कहता कि मोहम्मद तुमने हमारे खुदाओं में 10 ऐब निकाले हैं, लाओ अपने खुदा को, उसमें 100 ऐब हम निकालेंगे। कोई तो कहता, यानी पैगंबर इस्लाम बुतों पर तनकीद फरमा रहे हैं, कुरान बार बार कह रहा है ये किसी काम के नहीं है, ना नफा पहुंचा सकते हैं, ना जरर पहुंचा सकते हैं, ये आजिज बुत, ये अपाहज बुत, ये लूले लंगड़े अंधे काने गूंगे बहरे, ये बुत ये तुम्हारे किस काम के हैं, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कह रहे हैं ना बार बार। अच्छा भाई, तो अब अरब तो वो थे जो अपनी हमीयत पर अपनी गर्दने दे देते थे, बड़ी गैरत वाली कौम थी, तो कोई तो आके कहता कि तुम मुसलसल हमारे बुतों को बुरा कह रहे हो, लाओ अपने खुदा को, तुमने 10 ऐब निकाले हमारे बुतों में, 100 ऐब हम निकालेंगे तुम्हारे खुदा में। कहा किसी ने, लड़ना गवारा किया, मरना गवारा किया, कत्ल हो जाना गवारा किया, असीर हो जाना गवारा किया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा भाई ये जबाने बंद क्यों हो गई। तो बतलाना ये था कि इतना बेऐब रसूल भेजा है कि पहले इसमें ऐब तलाश करो, मुझसे बाद में आओगे। ये मराइल आसानी से हल हो रहे हैं ना। अच्छा भाई, तो अब बेऐब रसूल आया, जबान उसकी, कलाम अल्लाह का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से सुनते जाओ, कुल हो अल्लाह है, सबको ये सूरा याद है। अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जी चाहता है कभी कभी जरा आए बहुत दुनी मिसल के बारिश मखूब है मन में खाता हूं, ये हरफी बशमा हदीय बुकुन कुल हो अल्लाह वाहिद। आगा उर्दू खूब समझते हैं, ऐसा ना समझिएगा तो उन्हें उर्दू नहीं आती, बोलते नहीं लेकिन उर्दू खूब समझते हैं। अच्छा भाई, तर्जमा करो कुल हो अल्लाह वाहिद का, करो भाई, या कोई तो करे, कुल हबीब कह दे होवा वो अल्लाह, होवा वो अल्लाह, अल्लाह आहद एक है। भाई अजीब मरहले फिक्र है, याद मत मैं रोकूंगा, ये हो अल्लाह कहो, क्या 25 हैं,
यहां भी वही केस खड़ा हो गया। कुल हो अल्लाह है, कहो कि वो अल्लाह एक है। भाई कहो कि अल्लाह एक है, ये वो अल्लाह कौन? भाई ये हुआ के फंस गया ना हलक में। भाई कुल अल्लाह है, होना भी चाहिए था। ये समझाने के लिए जुमला कर रहा हूं, नऊज़ु बिल्लाह, कोई इस्लाम मकसूद नहीं है। कहो कि अल्लाह एक है, नहीं कहो कि वो अल्लाह एक है। अच्छा भाई अब रुक जाओ यहां पर, ये वो तो अड्डी कोर्ट हो जाए, हल हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाए। भाई मैं कसम खा के कहता हूं, इस मिंबर को किसी ने नहीं बनाया, मानोगे? खुद ब खुद है। अच्छा अगर मैं 100 अदद कुरान मजीद भी सर पर रख के कहूं कि इस मिंबर को किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए जब चीज है तो बनाने वाला है। या ठीक है, बात समझ में आ गई? जब चीज है तो बनाने वाला है। अच्छा मैंने कहा कसम खा के कहता हूं, माइक्रोफोन किसी ने नहीं बनाया, ये खुद बहुत है। उनका साहब कैसी बात कर रहे हैं, जब चीज है तो कोई बनाने वाला है। ठीक भाई, तवज्जो ले। जब वो पहला स्पुटनिक गया था ना फजाओं में, तो कहने वालों ने एक जुमला कहा था कि हम अल्लाह को ढूंढ आए, अल्लाह कायनात में नजर नहीं आया। वो ठीक है, नजर नहीं आया होगा। ठीक भाई, बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़ी दकीक मंजिल फिक्र है। और यहां मैं तौहीद का एक बारीक सरहास हल करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। बड़े बड़े बददमाग इस दुनिया में पाए जाते हैं जो खुदा को तस्लीम नहीं करते। अच्छा दलील क्या है भाई? दलील ये कि खुदा कायनात में नजर नहीं आया, इस कायनात के अंदर खुदा उन्हें नजर नहीं आया। अच्छा भाई माइक्रोफोन बनाए या नहीं बनाए? बनाने वाला तो होगा ना, चाहे अल्लाह को माने या ना माने, यही कहेगा कि इसको कोई बनाने वाला है। अच्छा ठीक है भाई, ये घड़ी है मेरे हाथ के ऊपर, क्या खुद ब खुद बन गई? नहीं, कोई बनाने वाला है। अच्छा तो भाई घड़ी के अंदर उसके बनाने वाले को दिखला दो। क्या भाई खालिक अपनी तकलीफ के अंदर नजर नहीं आता, बाहर नजर आता है? खालिक अपनी तखलीक के अंदर नजर नहीं आता। अच्छा भाई तो जब चीज है तो अल्लाह है, तय हो गई बात। जब चीज है यानी जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, कब फेंकते हुए समंदर है, पहाड़ है, तो अल्लाह तो है। चीजें हैं ना ये, जब चीज है तो कोई बनाने वाला है। अगर कुर्सी का बनाने वाला है, मिंबर का बनाने वाला है, घड़ी का बनाने वाला है, माइक्रोफोन का बनाने वाला है, तो कायनात का बनाने वाला है। तो ये किसने बताया कि कायनात का बनाने वाला है? तुम्हारी फितरत ने, नबी ने नहीं बताया। किसने बताया? तुम्हारी फितरत ने। भाई देखो ये क्या नबी ने बताया था कि इसका बना माइक्रोफोन का कोई बनाने वाला है? ये तो तुम्हारी फितरत ने कहा ना। अच्छा मेंबर का कोई बनाने वाला क्या किसी आयत में आया है कि हदीस कुरान में? नहीं भाई, तुम्हारी फितरत कह रही है। ठीक है ना, तो सूरज चांद का बनाने वाला फितरत कह रही है। तवज्जो रखना, फितरत कह रही है कि अल्लाह है, बहुत तवज्जो रहे। तो जिस फितरत ने तुम्हारी हर इंसान की फितरत की बात कर रहा हूं, जिस फितरत ने कहा कि अल्लाह है, वो फितरत है हमारी उसका। और उस फितरत ने बता दिया, अभी नबी की बात नहीं है, फितरत ने बता दिया कि अल्लाह है। अब कुरान ने बताया कि वो अल्लाह एक है। रुके रहना भाई, रुके रहना, इसलिए कि मैं बड़े दकीक मराहिल से और दकीक मसाइल से गुजार के तुम्हें यहां तक लाया हूं। तो ये वो जो कहा कुल हो अल्लाह है, तो वो के मानी क्या निकले? फितरत जिसे कह चुकी है कि है वो एक। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा इसे और समझो जरा, मैं सत्य उमूमी से, मैंने बरसा बरस यहां गुफ्तगू की, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा सत्य उमूमी से बलंद बात हो जाए। मैं सुनना, माइक्रोफोन पर आवाज आ रही थी सलाम पढ़ने की या नौवा पढ़ने की, ठीक है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि एक थे, एक से ज्यादा थे, कितने थे, कौन साहब थे। ठीक, आवाज आ रही है, तो अगर सब मिलकर कहे कि नहीं कोई नहीं बोल रहा था, मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि आवाज तो आ रही थी, लेकिन था कौन मैं तो बाहर था, तुम बताओगे तो कहूंगा कि ये था।